सो गाइस, घड़ी में 9:05 हो गए हैं और मैं घर पर जैसे पहुंचा और यहाँ देख रहा हूँ सोनाक्षी अपना पढ़ाई कर रही है। मोबाइल लेके कौन पढ़ाई करता है? अरे उसमें एक स्कूल से पेपर आया है, वो हिंदी का है। अच्छा, नकल कर रही है? नहीं, उसका आंसर ढूंढ के रख लेते, उसको फिर प्रिंट करके आएगा, फिर उसे करेंगे। अच्छा, और ऋषभ? ऋषभ तो बस कलर ही करता रहता है। देखो ऋषभ कितना कलर किया है। ये कौन किया कलर? सर आधा सोनाक्षी। ऋषभ अपना कलर दिखा दो सबको। तो ये देखिए ऋषभ कलर किया है। ये आज ही की है और ये आज किए हो? हाँ। ये वाला कह रहा आज किए और ये वाला कल किए थे। अच्छा, ये कल किए थे। हाँ। तो बताइएगा कमेंट करके कि ऋषभ कैसा नया वाला खत्म हो चुका है, कलर किया है, नया वाला खत्म हो चुका है, उसको फेंक देंगे। अच्छा, तो ये देखो कबूतर बना है। कबूतर गंदा कर दिए। ये आप हो क्या? ये तो ऋषभ लग रहा है, गंदा हो चुका है, नहाया नहीं है ना, इसीलिए आज इनका घर पता लगावे ना, उसको भी नहीं पता। सो गाइस, देख सकते हैं ऋषभ कलर कर रहा है और कैसे कर रहा है आप लोगों को दिखाते हैं। एकदम लेट गया, ये देखिए पूरा लेट के एकदम कलर कर रहा है, जैसे कि पिकनिक मनाने आया है। क्यों हंस रहे हैं? अच्छा, पहले कलर किया, काफी अच्छा किया, अपने मन से कर रहा है, जैसे यहाँ लिखा दिखा हुआ है ऐसे देख देख के कर रहा है। कलर करना इसको पसंद है ना, लेकिन ये वाला कलर अलग है। सोनाक्षी साइन कर रही है, आप गुड दे रही। और करोगे? चलो थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो। The next morning. Good morning family. ये हमारी family, आप हमारी family. तो सबको good morning, सब उठ गए हैं और सोनाक्षी जा रही है ब्रश करने, ऋषभ भी जाएगा ब्रश करने। बंदा नहीं चमक ठमक रही है साड़ी में, क्या बात है। अब हम साड़ी पहनेंगे। कल कहीं आप गई थी क्या, पता ही नहीं मुझे। नहीं, तैयार हुए थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मोबाइल में आप नेट नहीं रखे हो, छत पे जाते हैं नेट नहीं पकड़ता है वाईफाई का, इसलिए नहीं बनाते हैं वीडियो। रोज सोचते हैं आपसे बोले करने के लिए, लेकिन मोबाइल चलता ही नहीं नेट पर। मेरा सिम लगा लो, ये वाला, इसमें नेट है। अब हम अच्छा सिम वही लगा ली हम, इतना हो गई बात। क्यों यूज कर लो यार, मेरा मतलब नेट मनाया जाएगा बहुत ही धमाकेदार तरीके से। और हम लोग करने वाले हैं कपल डांस। मुझे तो आता नहीं डांस, लेकिन फिर भी जैसे भी आता है धर्मेंद्र स्टाइल में कर लेंगे और ये कर लेंगी। ये इनका शक्ल कैसे लगता है, कैसे बोलते हैं? रीना राय। हाँ, हमारी फैमिली बोलती है कि इनका शक्ल रीना राय जैसा लगता पता है। कल ऋषभ की बड़ी मम्मी का फोन आया था, ऋषभ की बड़ी मम्मी बोलेगी ये सही कर लो, ऋषभ की क्या बोला जाता है कि मुझे बर्थडे बुलाओगी, मम्मी जब बुलाएगी तब तो आओगी, मम्मी सबको मना कर रखी है। तो गाइस, हमने इसलिए मना कर रखे है कि जैसे कि अगर हम गांव में मनाएंगे तो सबको ही बुलाएंगे, अगर दिल्ली में मनाएंगे तो हम अपने बैकग्राउंड के हिसाब से देखेंगे कौन सी फैमिली आएगी कौन सी नहीं आएगी। अब पता चला बुला लिए, हमारे रहने और खाने का व्यवस्था ही ना हो तो इसमें हमारी बेइज्जती होगी। तो इसलिए सोच समझ के दिल्ली जैसे शहर में, एक तो गर्मी है ना, वैसे हमने सोच लिया ऋषभ का बर्थडे कैसे मनाना है, क्या क्या करना है। जैसे कि हमारे दिल्ली वाले जो है आएंगे, अपना चले जाएंगे, ठीक है, गांव से जो आएंगे उनके रहने का व्यवस्था, खाने व्यवस्था तो मान लो हो जाएगा, मेन होता है रहने का व्यवस्था। कोई आएगा आज के एक काट के चला नहीं जाएगा, रहेगा 3-4 दिन रहेगा। और हमारा रूम बहुत छोटा है और रूम में लगा है एक एसी, और गर्मी इतनी है कि हमारे खुद ही एक दो लोग के लिए तो हो ही जाएगा व्यवस्था, ऐसी बात नहीं है। एक दो लोग के लिए ना जी, इधर देखो ऋषभ तुम कहाँ देख रहे हो, एक दो के लिए, दो क्या तीन के लिए भी हो जाएगा। एक्चुअली जगह कम है ना, जगह ज्यादा होता तो और लोगों को हम लोग बुलाते हैं, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हूं, बहुत हो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा ऋषभ का बर्थडे कहाँ मनाए, समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने मायके वाले को भी दीपक ये कह रहे मायके चलो, हम कह रहे चलो रेस्टोरेंट में चलो, अमित कह रहे ओ लॉज बुक कर लो। देखते हैं, मैं ये सोच रही हूँ ना, जैसे कि अगर हम मायके में करेंगे तो हमारे वहाँ बहुत लोग आएंगे और मुझे ना मायके में सारा व्यवस्था, मायके में करेंगे फिर हमारे मम्मी पापा को पता नहीं अच्छा लगे कि ना लगे कि देखो
यहाँ से ये लोग गए सारा फंक्शन तो यहाँ करते हैं। एक फंक्शन का बच्चे का तो कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ू ना है, कहीं भी करेंगे। ये है कि ना हम मार्केट में इसलिए सोच रहे हैं ना, हमारे वहाँ ना देखिए ना डीजे का पैसा लगेगा, है कि नहीं। डीजे तो इनके घर में ही है, सजावट भी घर पर है, केवल खाने का पैसा लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। और इनके घर के पीछे काफी जगह है, वहाँ पे टेंट भी लगा दो ना तो ऐसा लगेगा कोई लॉज है, ऐसे लग रहा है कि होटल बुक हुआ है। मैं यही सोच समझ के कर रही हूँ। किट्टों की शादी हुई थी, आप लोगों ने देखा था ना वैसे। और मान लो जी अगर हम ससुराल भी करेंगे, डीजे बुक करेंगे तो 3-4 हजार रुपया गाड़ी का देंगे कि नहीं देंगे। हाँ जी, तो इसीलिए हम सोच रहे जहाँ मुझे बेनिफिट हो मैं वहीं से करूँ, व्यवस्था भी बढ़िया हो जाएगा और काफी लोग मार्केट में रहेंगे ना, वहाँ ज्यादा एंजॉय होता है। वैसे हमारे ससुराल वालों में डांस करने में बहुत तेज है, अब भोजपुरी लग जाता है गाना में तो फिर पूछो ही मत, खिला देते हैं खाली, सब लोग जान जाए, बस मायके में एक छोटा सा फंक्शन है पूरे रिश्तेदारी पलट जाता है। और इनके यहाँ अगर शादी विवाह का बारात वरात आता है ना तो जो बराती होते हैं वो कम डांस करते हैं, घर आती वाले ज्यादा डांस करते हैं, ऐसा लगता है बराती वाले यही सब है। कुछ लोग कमेंट करेंगे इसमें से लोग नचनिया है। नहीं यार, जिसको आता है वही करेगा ना, अब हमको नहीं आता तो हमें शर्म लगता है डांस करने में, लेकिन क्या करें, गाना ऐसा बजता है कि हिलने का मन कर देता है, शरीर अपने आप हिलने लगता है। अरे सब भी करता, कैसे करते, नाच नाच नाच। तो सो गाइस, अब हमारी ड्यूटी चलने का टाइम हो गया है, आज शनिवार है इसलिए लेट जाते हैं क्योंकि लोग लेट निकलते हैं, संडे को भी लेट जाते हैं और मंडे वगैरह को तो थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। अच्छे कमेंट करके चले जाना, बुरी लगे तो भी करके जाना, उनके मेरे करना मेरे में आकर कर देना, वंदना ब्लॉग के चैनल पे आकर कर देना। अब मैं पढ़ूंगी, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे सोचो कि इसे लग रहा है जीवन की सबसे बड़ी जो दुनिया की टेंशन होती है वो कमेंट पढ़ के ना मेरा दिन। और किसी हमारी फैमिली ने कमेंट किया था कि ये सोनाक्षी जो नीले कलर का ड्रेस ली है कितने का ली है, मीशो से खरीदे हैं, कितने का ली है, कहाँ से ली है, 500 कुछ 550 लगभग था। तो सोनाक्षी को दिखा देते हैं, तो इसको ये ड्रेस पसंद आ गया तो बार बार यही ड्रेस पहनती है सोनाक्षी। या कोई भी कपड़ा पहने ना तो अगर 2-3 बार रिपीट करते हैं कि वही कपड़ा, अरे कपड़ा फटा नहीं है, पुराना नहीं है तो फेंक दे, ये बताइए। हमारे पास इतने कपड़े हैं, मैं अगर अपना सूट दिखाऊं ना, लेकिन हम यही सोचते जब पहनती ना तो सोचते कि यार ये लोग कमेंट करेंगे यही बंदा पहनती, लेकिन क्या जिसमें जो लोगों को कंफर्टेबल महसूस होता है ना लोग वही कपड़ा पहनते हैं। कपड़े तो मेरे पास इतने हैं, मैं दिखा दूं ना कहेंगे कि बाप रे पूछो मत, कंफर्टेबल वाली बात नहीं है। जैसे कि हम रोज वीडियो बनाते हैं, अब रोज हम एक कपड़ा खरीद के तो ला नहीं सकते, तो हमारे पास जो कपड़ा है हम वही पहन के बनाते हैं। और फिर बैग वगैरह में रखा रहता है, ये ऊपर रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, तो हम सोचते हैं क्या निकाले इसको, फिर वही कपड़े पहन के बना लेते हैं। अब ये साड़ी सोचो कितने जमाने से रखा था, लेकिन मैंने इसका रील्स बनाया है, अभी तो सब बिखरा हुआ है, इसका रील्स मैंने बना रखा है, यही इंस्टाग्राम पे देखिए, पूछो जिनको। अब इतना टाइम ही नहीं मिलता जिसका, जैसे कि कुछ लोगों का काम होता है बस हमारा वीडियो बनाना, रील्स बनाना, तो बस उसी पे लगे रहते हैं, वो कपड़े इतना रखे रहते हैं फटाफट निकालते पहले बनाते हैं ना, और हम लोगों के पास दुनिया भर का काम रहता है, एक ही नॉर्मल वीडियो बनाकर पोस्ट कर देते हैं, वीडियो बनाते हैं ना, इधर का दिमाग खराब होता है तो इधर का सही होता है, इधर का सही इतना सामान फैल जाता है, बस बच्चे डिस्टर्ब करेंगे, बस ये रील्स भी बनाते हैं ना तो ये होता है कि एक बार में जो बन गया ना वही डाल दो, कौन बार बार करेगा, इतना टाइम नहीं रहता है कि रील्स भी बना के अच्छे से डाल दे। भारतीय नारी लग रही है, भारतीय नारी भी रही है तो भी उनको लोग गाली देंगे, गाली सुनने के लिए तैयार है गाइस। ओके, ज्यादा इंग्लिश मार रही है आजकल, इंग्लिश नहीं मार रहे हैं हम, गवार और गवार की तरह रहेंगे हम, जमीन पे पैदा है तो जमीनी पे रहेंगे हम, ऊपर नहीं जाएंगे। काहे उब रही हो, काहे इतना रूख रही हो, अच्छी बात है यार, ऐसे से कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है ना। इनके लिए उस दिन इतना कमेंट आ गया ना तो लगता रात भर नींद भी नहीं आया। नहीं नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा था, ये जब तक इंसान के ऊपर नेगेटिव कमेंट आता है वही इंसान सक्सेस होता है, इस आपको पता है कि नहीं? हाँ। है ना, ये बात है, वही वायरल होता है। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं क्या नाश्ता बन चुका है, और ये देखिए मैं पानी की कितनी बचत करता हूँ, मेरा आरओ है और मैंने पाइप देखिए यहाँ लगा रखा, एक बाल्टी भर गया मेरा आरओ, फ्रिज रख के आओ, फ्रिज में रख के आओ, बाथरूम में रख के आओ बाल्टी, तो मैं कितनी बचत करता हूँ ये देख सकते हैं, आप लोग भी बचत कर सकते हैं, और पाइप में निकाल देता हूँ ये बाल्टी में, अरे आप हर चीज का बचत करते हैं, एक बाल्टी पानी निकला है और यही पानी यूजफुल है,
जिससे अपना पोछा लगा सकते। तो चलो हम चलते हैं।